For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Lehre TV. Okay, Daisy, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप बायोपिक पे काम करना चाहेंगे, लेकिन किसकी बायोपिक पे काम करना चाहेंगी वो आप अभी श्योर नहीं है. नहीं, you know, मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत लोगों को मिलती हूँ, उनमें से काफ़ी लोगों ने कहा है कि मेरी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं मुमताज़ जी से रिलेट करती है, क्योंकि वो भी शायद एक डांसर थी और बाद में वो एक्टर बनी, तो इन दैट वे आई रिलेट विथ हर. सो आई थिंक मुमताज़ जी इज़ समवन हुम आई रियली वुड लाइक टू डू अ बायोपिक. Thank you so much. We got the story. Another one. Really? Daisy, you know, biopic का वापस continue करता हूँ. अभी you know संजय दत्त साहब पे biopic बन रही है. सलमान की जिंदगी बहुत interesting रही है. बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं. क्या आपको लगता है सलमान पे भी biopic बनना चाहिए? चाहते हैं कि बनना चाहिए. देखिए biopic उन पे बनती है ना जिन जो senior level पे चले जाते हैं. ठीक है. सलमान जी के हिसाब से वो आज भी 27 साल के ही है और हम मानते भी हैं वो 27 साल के. ठीक है, तो जब तक वो सीनियर लेवल पे पहुंचे तब तक हम शायद मैं किसी माँ का रोल करने लगूंगा. नहीं, आपको लगता है उनकी जिंदगी बहुत दिलचस्प रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत इंटरेस्टिंग रही. इनफैक्ट आप लोगों की वजह से इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि उनकी इनसाइड स्टोरी के बारे में तो हमें किससे भी नहीं. वी ऑलवेज डू अ जॉब मैम. आई नो, बट देन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मतलब उसको मिर्च मसाला लगाना तो आपसे किसी को सीखना पड़ेगा. स्टिल वांट टू आस्क यू, डू यू थिंक बनना चाहिए? डू यू एग्री विद दिस? ऑफ कोर्स यस, व्हाई नॉट. द लाइक मिलियंस ऑफ फैंस आउटसाइड, यू नो, एंड दे रियली वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग विद हिज लाइफ. जैसे संजय दत्त के बारे में जो बायोपिक बनी है, उनके फैंस देखना चाहते हैं कि उनके लाइफ में क्या क्या इंस्टेंसेस हुए, क्या क्या चैप्टर्स रहे. तो एज अ फैन आई थिंक सलमान खान के ऊपर भी बायोपिक बननी चाहिए.